हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके, मतलब कि इसका शौक अभी भी है और 10 साल पहले भी था, 12 साल पहले भी था जब ये फर्स्ट जनरेशन आई थी। और ये है फॉर्च्यूनर फर्स्ट जनरेशन 2010 मॉडल, जो कि इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ है जय, ये ओनरशिप रिव्यू होने वाला है तो ओनर के साथ बात करेंगे। देखो इतना छोटा लड़का फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है तो भाई क्या कहानी है भाई जय भाई इसकी? ये वो टाइम पे मेरी लाइफ में आई है जब मुझे एडवेंचर की कमी थी और वो टाइम पे मैं ऐसी कोई गाड़ी देख रहा था जैसे कोई 4x4 हो, हाँ। थोड़ा ऐसे जो लगे कि हाँ भाई कोई लेके कुछ घूम रहा है, हाँ। वैसा फील दे। तो वो टाइम पे ये मैंने लिया था। अब वही है, लेने के बाद ऑफ रोडिंग और ये एडवेंचर की तो भरपूर आ गई है लाइफ में ऐसे मजे, बस वही पर्पस के लिए लिया था। मतलब गाड़ी किस तरीके से ली गई थी, मतलब कि फॉर्च्यूनर ही क्यों लिया? ढूंढ ही रहे थे फॉर्च्यूनर ही चाहिए या फिर कोई और भी देख रहे थे? ऐसा नहीं, और ऑप्शन थे मार्केट में, ऐसा नहीं है। बट वो बोलते है ना, मेरे फादर को टोयोटा गाड़ी बहुत पसंद थी। अच्छा, हमारे पास आज भी कितने, मैं बोलूँ मेरा बॉर्न था 2000 का, मेरे बॉर्न से भी 1 ईयर पहले की जो टोयोटा कॉलिस आती थी ना, वो भी अभी मेरे बड़े पापा के पास है और वो घूम चुके हैं कुछ 6-7 लाख किलोमीटर। उसमें एक भी आज तक कुछ बॉनेट नहीं खोलना पड़ा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, ना इंजिन में किसी ने हाथ लगाया आज तक मैकेनिक ने। वही चीज़ें देख के हम लोग ग्रोन अप हुए थे, तो फादर साहब हमारे टोयोटा के लवर हैं, तो उनको देख देख के हम भी टोयोटा लवर हो गए। इसलिए फिर फॉर्च्यूनर में, वैसे भी पूरे मेरे फैमिली में सबका ड्रीम था कि एक फॉर्च्यूनर तो घर में होगी, तो बस यही रीजन था इसको लेने का। तो भाई फॉर्च्यूनर का तुम बोल सकते हो गैंगस्टर कार है, ठीक है, हर किसी का ड्रीम है भाई। मतलब अगर अमीर हो रहे हो तो फॉर्च्यूनर जरूर होनी चाहिए तुम्हारे पास, तभी भाई चलेगा तुम अमीर हो। बाकी गाड़ी की बात कर लेते हैं, गाड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े हेडलैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प उस टाइम पर दिए जाते हैं। हेलोजन सेट है ना ये, हेलोजन सेट आता है, पहले भी हेलोजन ही आता था, नीचे फॉग लैंप वगैरह है। इस तरीके की ग्रिल आती थी पहले इस, तो ये थोड़ा रफ हो गया बट कोई नहीं। ये 3 लीटर इंजन वाला है, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए इंसुलेशन मिल जाएगा। एंड टायर देख सकते हो कितने मैसिव टायर आते हैं, कितने इंच का अलॉय व्हील है इसका, इसमें R17 का अलॉय व्हील है। तो टायर प्रोफाइल बात करें, टोटल 265/65 R17 के अपोलो के टायर लगे। तो हमें कभी चेंज कराए हैं या फिर अभी ये जब गाड़ी मैंने परचेस किया था वो टाइम पे ये टायर न्यूली लॉन्च हुए थे सिर्फ टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए। अच्छा, टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए लॉन्च हुए थे। अपोलो एप्टेरा 82 ये जब वो टाइम पे लॉन्च ही हुए थे और न्यूली लॉन्च मैंने टायर इसमें डलवाई दिए थे लेते ही। अच्छा, वो टाइम पे आई गेस तो कोई के भी गाड़ी में था नहीं वडोदरा में, वो टाइम पे हमने मंगवाया थे। तो यहाँ पर आपको 3.0D4 ये देखने को मिल जाता है, 4D मतलब कि 4-व्हील ड्राइव आपको कंप्लीट मिल जाती है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वो भी दिखाऊंगा और ना जा कर रहे हो भाई पूरा वीडियो देखना है। पीछे भी R17 का ही टायर मिलता है, इतना मतलब मैसिव गैप है इसके अंदर, तो मतलब आपको क्लियरेंस तो भर भर के है। मतलब ये तो जान ही जाती है अपने मस्कुलर लुक और ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। धूल मिट्टी दिख रही होगी क्योंकि हम लोग वहाँ से आए हैं पूरा सामान, मतलब ऑफ रोडिंग करते हुए खतरनाक तरीके से, फुल टाइम 4WD यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर ये सब देखने को मिल जाता है। कट ओपन करना, बूट ओपन करना। तो भाई बूट स्पेस भी काफ़ी ठीक मिल जाता है, 7 सीटर में क्या ही बूट स्पेस के वो करने का देखते हैं अगर। लेकिन इसको बिछा देते हैं तो यार बाइक वाइक लेके क्यों घूमना है, इसको लेके कहीं निकलते हैं आराम से घूम के बहुत दूर दूर तक। यार इतना सही जगह, मतलब इसे लेके भाई कहीं पर भी ऑफ रोडिंग के लिए, मतलब लद्दाख चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, टेरेंस पे ले जाओ, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कंडीशन की अगर बात करें तो बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से रखे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा कंपार्टमेंट, ये आपको स्टेफनी का टूल किट वगैरह रखा है चेंज करने के लिए, जो कि पहले देती थी। लेकिन मटेरियल की बात करें, गाड़ी टोयोटा मतलब गाड़ी का मटेरियल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती है, जो मटेरियल की कार बनाती है। टेल लाइट वगैरह जो सकते हो इस तरीके से है, स्पॉइलर वगैरह। बैक में बात करें तो बैक भी जो सीट्स वगैरह हैं काफ़ी प्रीमियम सीट आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हेडरेस्ट आपको हर जगह मिल जाता है, बस बीच में छोड़ के बाकी सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं। एंड यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर कप होल्डर वगैरह भी, कप होल्डर नहीं है सिर्फ हेडरेस्ट है। तो वुडन फिनिश वगैरह जो पहले आती थी ना, ये बहुत ट्रेंड में थी उस टाइम पे, बहुत ट्रेंड में थी, क्योंकि हर एक प्रीमियम कार में, मर्सिडीज हो या फिर BMW, इन सब में वुडन फिनिश जरूर देते थे। और टोयोटा ने भी ये मतलब कि वुडन फिनिश दिया है, मतलब कि एक प्रीमियमनेस में चली जाती है गाड़ी, प्रीमियम उसमें चली जाती है। फुटरेस यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी हैवी है भाई, ठीक है। तो आपको चारों विंडो मिल जाते हैं, कप होल्डर मिल जाता है, मतलब बॉटल होल्डर। एंड यहाँ पर अगर बात करें तो ये मैनुअल वेरिएंट में आता है, कितना, फाइव गियर ट्रांसमिशन में। और ये जो है अब नहीं देती है फॉर्च्यूनर, पहले आता था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मतलब कि ये जैसे महिंद्रा में देते हैं, थार में जैसे आपको देखने को मिलता हुआ छोटा गियर जो 4x4 टू हाई, जैसे लो लगाने के लिए या फिर न्यूट्रल एंड हाई पे लगाने के लिए, तो 4x4 को सेट करने के लिए ये एक छोटा गियर दिया हुआ है।
सीट मतलब अलग, ये कंपनी वाली सीटें कभी सीट कवर वगैरह चेंज कराएगा? स्टॉक ही है, स्टॉक ही है। तो ये अभी अभी मेरे विंड डोर बंद कर रहा था तो पैर में लग गए, चल कोई नहीं। बाकी अगर बात करें कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगा रखे हैं इसमें उन्होंने, फॉर्चुनर लिखा हुआ है देखो इसके अंदर वगैरह। बाकी सीट तो ये मैनुअली आती है ना इस तरीके से, मतलब अप डाउन ये एडजस्टेबल है, ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। और इससे क्या होगा, ये हाइट इंक्रीज करेगा जिसको भी, अगर ये ऊंचा गाड़ी है ना तो अगर किसी को हाइट से प्रॉब्लम है, ये लोअर सेटिंग है एकदम, ये इतना नीचे सेट हो जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे बताइए सिक्योरिटी का बटन कैसा है? ये अलार्म सिस्टम का वो ब्लिंकर है, इसको कोई इशू नहीं, ये स्विच नहीं है। और ये हेडलाइट सेट करता है, ये मीटर की वो ब्राइटनेस सेट करता है। अच्छा, मीटर की ब्राइटनेस वगैरह भी सेट हो जाती है, मिरर्स के ये जो है, मिरर्स के सारे कंट्रोल यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिए, यहाँ पर दिए, यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग और बाकी चाइल्ड लॉक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ, पावर विंडो, चारों पावर विंडो का ऑप्शन दिया, ट्विटर दिए हुए हैं यहाँ पे। इस तरीके का स्टीयरिंग आता है, टॉप मॉडल है ना ये? हाँ, इसके अंदर ये वो टाइम का टॉप मॉडल आता है, क्रूज कंट्रोल वगैरह के, क्रूज कंट्रोल है ना इसमें? क्रूज कंट्रोल नहीं है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल नहीं आता है। तो ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, और बाकी सामान अंदर है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, इसका छोटा वाला गियर है ना, तो इसको अगर न्यूट्रल कर देंगे ना तो पूरी गाड़ी फ्री हो जाएगी। तो अगर बड़े वाले फिर अगर आप गियर लगाते भी हो नहीं लगेगा, इस तरीके से इसका सिस्टम है। कुछ जैसे इसमें कोई सॉन्ग चला दिया, वो सॉन्ग पे डिटेक्ट करता है बीट, सॉन्ग पे बीट डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से लाइट भी यहाँ पर लगा रखी है, इस तरीके से मतलब अलग ही कलाकारी कर रखी है। रात को ये अच्छा फील देती है, बहुत मजा आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखो तो तीन आ जाते हैं, वहाँ से आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो, दिन में अगर कम लग रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हो। तो ये टॉप पे चाहिए इस तरीके से ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। कुछ लोगों को रात को आँख में लगने से प्रॉब्लम होती है इसलिए वो भी दिया। तो काफी सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया हुआ है तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। बाकी गाड़ी तो आपके चला के देखेंगे उसके बाद ही पता चलेगी, लेकिन अभी अंदर और क्या मतलब कि मेंटेनेंस वगैरह कैसा आता है गाड़ी का? अभी मेंटेनेंस बहुत कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसी गाड़ी का मेंटेनेंस अगर बाकी कंपनियों में देखोगे तो, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ उनको, बट हाँ उसमें ज्यादा ही होता है। इसमें समथिंग अराउंड 7000 के आसपास में इसकी सर्विस हो जाती है। 7000 में सर्विस हो जाती है? अगर कुछ मेजर, कितने किलोमीटर पे सर्विस करते हो? हर 10,000-15,000 के बाद करवाना मैं सजेस्ट करूंगा। अगर जरूरत नहीं भी है तो भी अगर गाड़ी को मेंटेन रखना चाहते हो 10,000 के बाद करवाई लो। राइट, 10,000 तो बहुत हो जाता है यार, मतलब कि ठीक है यार उस हिसाब से 10,000 किलोमीटर पे तुम्हें 7,000 रुपए लग रहे हैं तो फिर क्या ही है। बस क्या है कि एवरेज कितना देती है? एवरेज ये निकाल देती है फॉर्च्यूनर में एवरेज जैसी कोई चीज नहीं है, बट शॉक बोलते हैं ना, शॉक एक बड़ी चीज है, बस उसकी वजह से ही लिया था। एवरेज ये निकाल देगा आपको सिटी में, अगर आप शांति से चला रहे हो तो 7-8 दे देगा, 7-8-9 ऐसे हाईवे पे दे देता है, 10-11 निकाल लेते हैं हम। तो मतलब हाथी है तो थोड़ा पिलाना पड़ता है पानी अच्छे से इसको, तब जाके ये वो थ्रिल दे पाती है। लेकिन है भी तो भाई 3 लीटर का इंजन है, इंजन को कंट्रोल करने के लिए उस हिसाब से पावर देखनी पड़ती है। मतलब जैसे जो ओल्ड टायर था ना, वो मैं उदयपुर गया था तो वहाँ पे उसमें एक कट लग गई थी, वो गुड ईयर के टायर थे उसमें, और वो गाड़ी ने स्टॉक ही दिए थे पहले से ही, आई गेस वो स्टॉक ही थे। हाँ, उसमें वो कट लगने के बावजूद वो हमको उदयपुर से भी वडोदरा तक लेके आया था। वो टाइम पे ये गाड़ी को और सब चीजों को मान गए थे हम, वो भी इसका एक चीज को हमने वहाँ पे ट्राई किया था उदयपुर में। लायबल है मतलब कि कम्प्लीट ही सेटिस्फाइड, मतलब ऐसा कुछ लगा कि यार मजा नहीं आ रहा इसमें, अभी कुछ ऐसी कोई कमी लगी हो? मतलब ऑलराउंडर है, मतलब कोई कमी लगी नहीं गाड़ी में ऐसा? मतलब आज के टाइम पे भी अगर नई नई कार्स आती है तो फैसिनेट करती है, तो मन करता है यार चल कोई सेडान ले लेते हैं, ऑडी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्योंकि नई नई लॉन्च हुई है, मन ललचाता है। पर एंड ऑफ द डे यही होता है, इसको अगर हम प्लान करते हैं ना, चलो सेल ऑफ करते हैं और नई गाड़ी लेते हैं, तो इसका जो फील है ना वो हमको बेचने नहीं देता ये गाड़ी, वो बोलता है नहीं यार नहीं बेचना है, रखना है ये गाड़ी तो रखेंगे ही। फिर ऐसा होता है ना, लाखों में एक कार होती है कि मतलब वो दिल को छू जाती है। हाँ, एक मतलब कि बंदे का कंफर्ट लेवल होता है, ठीक है, उस कंफर्ट पे ये अगर कोई गाड़ी आपको पसंद आ जाती है ना, फिर आपको मन नहीं करता यार वो बेचें, फिर बेचने का ख्याल भी आ जाता है, उसकी जो पॉजिटिव बातें रहती है ना, फिर वो दिमाग में लगती है यार ये होता है। हम लोग हमेशा प्लान करते हैं मैं और मेरे फादर कि चलो इसको बेच के कोई अच्छी प्रीमियम सेडान कार लेते हैं, फिर एंड ऑफ द डे 2 दिन बाद यही डिस्कस होता है नहीं यार ये गाड़ी जो मजा देती है ना वो कोई और गाड़ी में नहीं आता है। एक ट्रू फीलिंग है, तुमको अंदर से ही आएगा, इसको चलाने के बाद अपने आप लगेगा नहीं यार ये नहीं बेचना है ये बात तो है भाई, ये तो मैं मानूंगा बात को। कि अगर बात करें अभी तक इसको लॉन्ग रूट तक कितना लेके गए था? इसको सबसे ज्यादा दूर तो हम लोग उदयपुर ले गए थे, फिर शिरडी एक बार ले गए हैं, ऐसे उतना ज्यादा नहीं वो ले जाते, बट ठीक है इतना इतना। बोले कि भाई बेचनी है तो कितने में बेचोगे ऐसा? जो इसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वो तकरीबन 8-9 लाख तक लोग दे रहे हैं, 8-9 ऐसे तक। हाँ, तो हम भी उतना ही प्लान करेंगे अगर जिस दिन दे रहे, क्योंकि
अभी मार्केट में अगर तुमको चीजों से इसको अगर परफेक्ट देख रहे हो ना तो आई गेस सो ये गाड़ी जितना परफेक्ट है ना कंडीशन में 2009 के हिसाब से 2009-10 के हिसाब से अभी परफेक्ट गाड़ी तुम्हें शायद मार्केट में ना भी मिले नहीं आ की बात राइट राइट राइट। तो चलो भाई एक बार इसका ना अंदर बैठ के थोड़ा टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं और जब लेके फिर इसके जो जलवे हैं बाकी ऑफ रोडिंग के देखने को मिलेंगे। ले भाई बहुत भारी होगा भाई। लो फ्री लो लो आओ उठाओ चलो उठाओ। बाप रे भाई साहब खतरनाक है ये तो बहुत भारी है बट ये अभी क्या है ना इसमें इसको लगा लो पहले। ये भाई इंजन इसका खतरनाक वाला तीन ये जो सारे कमाल करता है जो भी है भाई। लेकिन इतना हीट नहीं हो रहा है नहीं मतलब बिल्कुल ज्यादा हीट नहीं फेंक रहा है वो तो दूसरी गाड़ी है क्या थोड़ा हीट फेंकने लगते इतना फिर हैवी चलाते हैं तो। टोयोटा की एक बात तो है इंजन बहुत अच्छे आते हैं मटेरियल बहुत अच्छा आता है इंसुलेशन का फुट देखो कितना भारी है और बाकी तो कोई शिकायत वाली बात नहीं है इसमें। ये क्या है वॉशर फ्लूइड। हाँ वॉशर फ्लूइड था वो। तो ये इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन वगैरह है यहाँ पर यहाँ मीटर में अगर देखो ना काफी सारी चीजें हैं अगर गाड़ी किस डायरेक्शन में है वो भी बता देते हैं नॉर्थ ईस्ट बता रहा है अगर हम लोग गाड़ी घुमाएंगे तो अलग चेंज करने लगेगा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग अलग चेंज करते हैं 34 डिग्री बाहर हो रहा है एंड एवरेज जो दे रही है 10 किलोमीटर का एवरेज दे रही है अभी इस हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो यार ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर दी हुई हैं बाकी अपने चल के देखते हैं घुमा के। वाह इनको देखने में पता चलेगा कि किस तरीके भाई फर्स्ट गियर पे गाड़ी ओ भाई साहब बॉडी रोल तो खैर है लेकिन गाड़ी में पावर जबरदस्त है यार देखो ना अभी कितना स्टीप है ये बिल्कुल इसके लिए पीस ऑफ केक लगता है मुझे ये सब कुछ वही तो बहुत बहुत मतलब गाड़ी ना बिल्कुल एनर्जी ज्यादा खींचना चाहती है ना कुछ एकदम स्मूथली जाता है ना अपने को ज्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है ना कुछ बिंदास जाती है ये गाड़ी कहीं पे भी। ओ भाई 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 क्या अभी तो वो स्टीप ही इतना है कि मतलब भाई कुछ नहीं दिख रहा भाई नीचे कुछ नहीं दिख रहा गाइस वाह क्या सीन है ओ यार यहाँ से काफी स्टीप है नहीं। हाँ ले लो यार ऑफ रोडिंग का तो मजा ही अलग है यार कुछ भी कहो बाइक से अलग मजा आता है लेकिन इसका तो जवाब ही अलग है क्या गाड़ी घूम इसको बीच में ले लेना गड्ढे को दो गड्ढे हैं वहाँ पे थोड़ा और लेफ्ट जी अभी यार जय मतलब कभी सोचा नहीं इसको कहीं लद्दाख वद्दाख लेके जाने के लिए इतनी बढ़िया पावरफुल मशीन है। लद्दाख ले जाने के लिए सोचा था मैंने बट वही था कि ना कभी कभी कोई ऐसा कोई ग्रुप मिला जिसके साथ मैं जा सकता हूँ ना कभी वो ऐसा कोई बंदा मिला कि जिसके साथ जा सको या ऐसा कुछ कोई ग्रुप नहीं कुछ नहीं कभी ऐसा मिलेगा तो फॉर श्योर जाएंगे इस पे ट्राई तो करेंगे एक बार। लद्दाख हो गया अपने यहाँ पे भाट भी है हाँ। है ना तो हाँ। भाट में भी मतलब कि इसको लेके जा सकते हो काफी अच्छी मतलब मशीन तैयार है मतलब आप देख लो ना हुडी देख लो सकते कितना मस्त है इसका भाई कितने में ली थी ये गाड़ी वो टाइम पे मुझे पड़ा था वो टाइम पे इसका डिमांड ज्यादा था बट वही होता है कि अगर तुम रिलेटिव के पास ही किसी के पास हो मतलब ऐसे फैमिली में ही किसी के पास हो और तुम नेगोशिएट अच्छा कर लेते हो तो इसका प्राइस तुम गिरवा सकते हो जैसे हमने वो टाइम पे गिरवाया था मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा पर ठीक है अराउंड लमसम लमसम 8 लाख के आसपास में हो ही गया था अच्छा, सब कुछ हाँ। तो बढ़िया मतलब इस हिसाब से ली थी बाकी चलाने में तो यार क्या ही जबरदस्त है गाड़ी मजा ही आ गया मतलब कि फुल्ली सेटिस्फाइड उससे है ना। हाँ, और कौन कौन सी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास। इटियोस लीवा भी है तो ये दोनों गाड़ी टोयोटा की है मतलब टोयोटा फैन हो ऐसा अगर इन फ्यूचर कभी गाड़ी लेनी हुई दूसरी गाड़ी मतलब यही सेगमेंट में
हाँ एसयूवी सेगमेंट आपको कौन सी लगती है, क्या आपको क्या लेने का क्या मन है? अगर ये नहीं तो एंडीवियर, आंख बंद करके एंडीवियर, वो कंपनी अभी नहीं है बट अगर सेकंड में भी मिलता होगा तो मैं एंडीवियर। हाँ सर्विस तो ऑब्वियसली फोर्ड की अवेलेबल है, सिर्फ सेल्स गई है, सर्विस नहीं गई है। सर्विस चली जाएगी तो फिर बाकी बची हुई गाड़ियों का क्या ही होगा उनका। लेकिन एंडेवर तो यार बेस्ट कार है, क्योंकि एंडेवर में भी 3 लीटर वाला इंजन आता था जो पहले आता था, अभी नया जो था वो 2 लीटर कर दिया था, लेकिन उसकी वजह से क्या ही बोले। बट पहले वाला जो मॉडल आता था वो बहुत अच्छा आता था, और अभी जो नया लॉन्च हुआ सीबी यूनिट लेके आ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, मतलब 80 लाख पड़ जाएगा आराम से, पूरा डबल कॉस्ट पड़ जाएगी। उससे अच्छा तो फिर फॉर्च्यूनर ही ले लेंगे इसके लिए। लेकिन एंडेवर में क्या है ना, आपको मैकेनिकल्स और इलेक्ट्रिकल्स जो भी रहते हैं ना, बहुत ज्यादा फीचर्स उसके अंदर आपको लोडेड मिलती है। लेकिन फॉर्च्यूनर में कुछ ज्यादा ऐसा कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ मशीनरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, ना सनरूफ मिलेगा ना ज्यादा इलेक्ट्रिक मिलेंगी उसके अंदर, बाकी सब तो बढ़िया है। सो गाइज ये था वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देख के जरूर जाया करो यार, थोड़ा रिटेंशन मिले तो ज्यादा वीडियो आगे बढ़े। बाकी भाई को इंस्टाग्राम फॉलो करना हो तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंटेंट डालते रहता है, फोटोज़ वगैरह, इसकी डोमिनार भी है, और होपफुली इन फ्यूचर ये भी अपने लेके जाएँ कहीं पे घुमा आगे, है ना, 5-6 लोग बिठा के सबसे साथ कंट्रीब्यूशन में पेट्रोल भरवा देंगे। अरे कोई नहीं, एक दिन और को जाना होगा मैं भरा दूंगा यार। अरे नहीं यार कोई नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी है भाई, पेट्रोल तो खाएगी खाएगी, लेकिन मजे पूरे लेके आएंगे ऑफ रोडिंग करने के लिए, कभी कभी निकाल लिया करेंगे कि हाँ भाई ऑफ रोडिंग करनी है इससे। अरे आप बोलो मैं निकाल लूंगा, कोई हाँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिक्की नमस्कार, जय भोलेनाथ। ठीक है अब भैंस चोट लग गई।